बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुमान में रखे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे, और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा ये ब्लॉग्स कहें या रेसिपी के हवाले से कहें आ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मैं वही दोबारा घटी पटी बातें नहीं करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चले आएँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो टाइम को वेस्ट किए बगैर। आज हम आपके साथ इफ्तार की रूटीन शेयर कर रहे हैं। माशाल्लाह ये मेरा रूम है, वो भी इंशाल्लाह एक दूसरा चैनल मैंने बनाया है ब्लॉग का, उसमें मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगा, अपना रूम दिखाऊँगा आपको, अपना घर दिखाऊँगा। उसमें मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हैं, वो आपको पसंद आएंगी। वो भी चैनल सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि आप वो जाके देख सकें। चले आएँ, आज की इफ्तार की रूटीन क्या है, क्या क्या हम बना रहे हैं। हमारे माशाल्लाह अच्छे अच्छे दोस्त और मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए हम बना रहे हैं इफ्तारी, तो आपके साथ इफ्तारी की रूटीन शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँगा जल्दी से, और कपड़े चेंज करने के बाद फिर आपके साथ आगे का व्लॉग शेयर करेंगे। क्योंकि व्लॉग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई रेसिपी वगैरह मैं इसमें ख़ुद नहीं बना रहा, ठीक है। जो बनी हुई है वही आपको दिखाऊँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। घड़ी में आपको टाइम तो नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। काम टाइम काफ़ी हो चुका है, चलें चलते हैं और कपड़े चेंज करते हैं। और मैं माजरत खां हूँ, काफ़ी माजरत खां हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से, बल्कि काफ़ी माह से मैं इस यूट्यूब चैनल पे एक्टिव नहीं हूँ। बस कुछ मसरूफियात थी, कुछ सुस्ती थी, इस वजह से मैं इस चैनल पर नहीं आ सका। इंशाल्लाह अभी लगातार मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको इंटरटेन करता रहूँगा, कुकिंग से हवाले से भी, और ब्लॉग भी बनाऊँगा इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेंगी इस चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे। चलें अभी मैं कपड़े चेंज करता हूँ जल्दी से, फिर आपको मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं रेडी हो चुका हूँ, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं माशाल्लाह। अभी कुछ परफ्यूम वगैरह लगा लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं भाई हमारी कलेक्शन क्या है। चलें दिखाते हैं आपको। ये जी कुछ कलेक्शन पड़ी है, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं तो माशाल्लाह ये सभी लगाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये लगा लेते हैं। अभी इसे बंद कर देंगे। चलें जी, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल ऊपर जाने के लिए। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं इफ्तारी की क्या रूटीन है, आज इफ्तारी में क्या क्या बन रहा है। ये माशाल्लाह मेरा रूम है, ठीक है जी, सिंपल वे। अभी तक कुछ यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा है, ये मेरी अपनी समझे सुस्ती कहें या जो भी कहें। इंशाल्लाह इसका विज़िट भी मैं आपको कराऊँगा करीब जल्दी, मेरे दूसरे ब्लॉग के चैनल में जो है उसमें। चले अभी चलते हैं बाहर की तरफ। टाइम थोड़ा शाम को होने वाला है, अंधेरा अंधेरा लाइट ऑन कर लेते हैं। ये हमारा हाल है छोटा सा, ठीक है, और ये दूसरा रूम, ये साथ वाला रूम, और किचन में जी मैं पहुंच चुका हूँ। आई थिंक ये टैंक वाला पानी बनना पड़ा है, ये भी साथ नींबू वाला पानी बनना पड़ा है, ठीक है। ये फ्रूट वगैरह पड़ा हुआ है, और चलते हैं फ्रिज की तरफ। ये मेरे ख्याल में दूध सोडा बना पड़ा है, ठीक है जी। अभी चलते हैं नीचे की तरफ। ये खजूरें तैयार हुई पड़ी हैं, ये क्या बना पड़ा है जी, ये मेरे ख्याल में रेशियन सैलड बनी पड़ी है, और ये मिली को चटनी, और ये भी कुछ नज़र आ रहा है, ये दही भले आई थिंक है जी, ठीक है। उधर भी मेरे ख्याल में और रेसिपी बनाई जा रही है दूसरे किचन में। ये पीली पानी वाला, ठीक है, ये बना के रखा हुआ है इन्होंने सारा। ये क्या बना हुआ है ये देखते हैं। अच्छा, ये इस पे डालने के लिए, क्या नाम है, इस पे डालने के लिए, दही भल्लों पे डालने के लिए जो मीठी चटनी होती है वो है। ये जी
चम्मच चटनी, ठीक है, तकरीबन सारा सामान रेडी है। अभी दूसरे किचन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या बन रहा है। और जो सामान अभी बनना रह गया था, पकोड़े, समोसे, ये चीज़ें, ये अब जब दस्तरखान पे लगाएंगे तो तब आपको दिखा देंगे भी क्या क्या चीज़ें मज़ीद बनाई गई हैं। और जो हमारे दोस्त आ रहे हैं या मेहमान आ रहे हैं उनकी वीडियो नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का एक रूल होता है ना, तो कुछ लोग वीडियो में आना पसंद नहीं करते, सिर्फ मैं पिक्चर बना लूँगा और कुछ 5-7 मिनट की या 10 मिनट की जो वीडियो होगी उसके एंड पे जो पिक्चर होंगी वो लगा दूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कौन कौन से मेहमान आई हुई थी। चलें, अभी जो मज़ीद तैयारी करनी है, चटाई वगैरह लगानी है, वो चीज़ें बिछानी है, वो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप ये ना समझें कि काफ़ी बड़ी वीडियो दूँगा, छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो दूँगा ताकि आपको पसंद भी आए। चलें, अभी दस्तरखान लगाते हैं और फिर जो जो चीज़ें वहाँ पर रखनी है वो आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मज़ीद बनाई गई। माशाल्लाह जी, इफ्तारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। खखड़ी, दूध सोडा, इमली वाला पानी, इमली वाले बुखारे वाला पानी, ठीक है। ये क्या पड़ा है जी, ये रेसिन सैलेड, दही भले, ये भी दही भले पड़े हैं, इसमें भी रेशन सैलेड है जी, साथ हैं पकोड़े, और ये आई थिंक इसके ऊपर ये भी रेशन सैलेड, ये दही भले, और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये है जी समोसे, माशाल्लाह ग्रैंड अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। चावल अभी तक रहते हैं, वो अभी मैं लाऊंगा ट्रे में ला के, जब अफ्तारी स्टार्ट होगी तब ले आएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हमारी हो चुकी है, अभी मैं जा रहा हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, इंशाल्लाह जमात के साथ नमाज़ पढ़ेंगे। और आज का व्लॉग था यही कुछ, यही थी वीडियो, यही था व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन आता है उसी प्रेस करें, ताकि मेरी इस तरह की लेटेस्ट आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, मेरे लिए भी दुआ किए करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे व्लॉग और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक मुतबाकरम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।